नेक्स्ट वन, डेटा टाइप को जस्ट डिटेल्स में डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा सम इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्रोवाइडेड बाय जावा विद रिस्पेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेशंस। अगर आपके दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देन आपके लिए डेटा टाइप बहुत अच्छे मैनर्स में समझना पॉसिबल है। फर्स्ट वन, प्रिमिटिव लेवल इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस। जस्ट मैंने डिस्कस किया था जावा के अंदर टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल थे, बाइट, सॉर्ट, कैर, मैं इनको अरेंज कर रहा हूं बेस्ड ऑन साइज, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, फ्लोट एंड डबल एंड फाइनली बूलियन टाइप। देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाई जावा। इसके साथ डिफॉल्ट कन्वर्जन की बात करें, डिफॉल्ट इम्प्लिसिट, डिफॉल्ट इम्प्लिसिट मीन्स नॉट अ फोर्सफुली, मीन्स आप अगर खुद से कोई कन्वर्जन परफॉर्म करा के अगर इस कन्वर्जन को कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म होता है तो कंपाइलर्स के इसमें किस टाइप के इम्प्लिसिट कन्वर्जन परफॉर्म करना पॉसिबल। कंपाइलर्स के थ्रू अगर आपके पास कोई बाइट वैल्यू है देन बाइट वैल्यू को कितने टाइप्स में असाइन करना पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बाइट टाइप का वेरिएबल लाइक अ बाइट एक्स, अदर वेरिएबल लाइक अ इंटीजर वाई, वाई में एक्स असाइन करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। इस टाइप में कई सारे रूल से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मीन्स बाइट वेरिएबल इंटीजर के साथ साथ कितने टाइप्स में असाइन करना पॉसिबल। बाइट कैन बी इम्प्लिसिट कन्वर्टेड बाई कंपाइलर आइदर इन द फॉर्म ऑफ, इस बाइट बाइट में तो स्टोर होगा लेकिन इसके साथ साथ डिफॉल्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन किस फॉर्म हो सकता है, शॉर्ट, या रखना स्पेशली कैरेक्टर में असाइन करना पॉसिबल नहीं है। रीजन जैसा कि मैंने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, जावा के केस में कैरेक्टर के अलावा रिमेनिंग टाइप्स कैसे हैं, साइंड और अनसाइंड, साइंड, जबकि कैरेक्टर का टाइप क्या है, अनसाइंड। कैरेक्टर के अंदर ओनली नेगेटिव नंबर स्टोर करना पॉसिबल, अगर मैंने इस प्लेस पर यूज किया 10। हो सकते हैं आपको कंफ्यूजन हो बाइट का साइज क्या है, एट द साइज ऑफ बाइट 1 byte, कैरेक्टर का साइज क्या है 2 byte। अब आप सोचोगे 1 byte डेटा वो तो 2 byte में स्टोर करना पॉसिबल, याद रखना है जो कन्वर्जन परफॉर्म होते हैं कन्वर्जन कभी भी साइज के बेसिस पर परफॉर्म होते हैं, परफॉर्म किसके बेस पर, बेस्ड ऑन रेंज। रेंज को लेकर अगर बात करें तो बाइट का रेंज क्या है, -128 to +127। इस बाइट के केस में पर्टिकुलर इस रेंज का डेटा स्टोर करना पॉसिबल है, लेकिन कैरेक्टर्स के केस में बात करें तो कैरेक्टर का रेंज क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया था, इट कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव नंबर 0 to 65535। क्वेश्चन ये कि अगर आपके पास, जस्ट मैंने अभी राइट डाउन किया था, अगर आपके पास कोई बाइट टाइप का वेरिएबल अवेलेबल है, बाइट एक्स मैंने असाइन किया 10, देन 10 की बात करें 10 बाइट में भी स्टोर हो सकता है और 10 कैरेक्टर में भी असाइन करना पॉसिबल। तो आप सोचो इस केस में अगर मैं राइट डाउन करता हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स, मीन्स फिजिकली आपको कैसा लग रहा है, वैलिड, लेकिन अगर ये इनवैलिड केस है, इसे इनवैलिड केस को समझने के लिए मैं सिमिलर टाइप का एक और एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज दैट अगर एक्स का टाइप बाइट है, आपको तो पता है यहाँ बाइट में पॉजिटिव नंबर हो रहा है, लेकिन हो सकता है बाइट के अंदर निगेटिव नंबर असाइन किया हो, बाइट के रिस्पेक्ट में -10 के साथ -10 इज विद इन अ रेंज ऑफ बाइट, लेकिन कैरेक्टर के केस में कहीं -10 पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। तो इस सिचुएशन में अगर आप कैर में असाइन कर दो कैर वाई इक्वल्स टू एक्स, रीजन समझ में आ रहा है इनवैलिड क्यों है, सेम है फर्स्ट केस। अब क्वेश्चन ये क्या फर्स्ट केस में इनवैलिड क्यों, सेकंड केस में तो नेगेटिव नंबर था लेकिन फर्स्ट केस में क्या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, वैल्यूज किसी वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कब असाइन क्रिएट होगा, ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मेमोरी का एलोकेट होता है एग्जीक्यूशन टाइम पर, एक्स कब क्रिएट होगा, एग्जीक्यूशन टाइम पर, तो ये एक्स में वैल्यू भी कब असाइन होगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कंपाइल टाइम एरर, पहले एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा पहले कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन, तो कंपाइल टाइम पर आपको तो पता है एक्स में फ्यूचर में 10 असाइन होगा, मीन से 10 रन टाइम पर असाइन हुआ। कंपाइल टाइम पर किसी भी वेरिएबल के लिए कोई वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होता, तो कंपाइल टाइम पर कंपाइलर क्या एज्यूम करेगा, एक्स के लिए पॉसिबल वैल्यू, मीन एक्स के रिस्पेक्ट में एज्यूम कर लेगा, एक्स के अंदर इस रेंज का रन टाइम पर कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो इसके समझ में असाइनमेंट चेक होगा तो असाइनमेंट साइज के बेस पर चेक नहीं होगा, इसके रेंज के लिए चेक होगा, जो वैल्यू एक्स में पॉसिबल है क्या वो सारे वैल्यू वाई में असाइन करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई इट इज इनवैलिड कन्वर्जन। मीन्स बाइट को कैरेक्टर में या कैरेक्टर को बाइट में असाइन करना पॉसिबल नहीं, दोनों केस कैसे हैं इनवैलिड। रीजन कैरेक्टर को बाइट में असाइन करना पॉसिबल नहीं, उसका रीजन क्या, क्यों कैरेक्टर का रेंज क्या, दैट वन सो मच, अगर कैरेक्टर टाइप का कोई वैल्यू यूज किया जाए मैंने एक्स और एक्स का वैल्यू क्या है 1000, ठीक है, 1000 बाइट में असाइन करना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, मीन्स जो वैल्यू एक्स में स्टोर हो रहे हैं वो सारे वैल्यू बाइट में कन्वर्ट करना पॉसिबल, इसलिए ये असाइनमेंट भी कैसा है इनवैलिड, मीन्स बाइट टू कैरेक्टर या कैरेक्टर टू बाइट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा।
इसके प्रैक्टिस एग्जांपल भी होंगे आगे। फाइनली डिफॉल्ट कन्वर्जन, जस्ट इस केस में ओनली लिस्ट मेंशन कर रहा हूं, बाइट को बाइट टाइप के वेरिएबल में इम्प्लिसिटली कंपाइल करके तू आसान करना पॉसिबल, सेम है सेम सॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट में भी आसान करना पॉसिबल, क्यों फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स के केस में रियल नंबर भी स्टोर करना पॉसिबल और डेज और इंटीजर नंबर भी आसान करना पॉसिबल हुआ, लेकिन इंटीग्रल टाइप के डेटा टाइप्स ओनली इंटीजर नंबर्स नॉट रियल नंबर्स। फाइनली ये सारे केस कैसे डिफॉल्ट करना, बुलियन में कन्वर्ट करना पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, रीजन क्योंकि बुलियन के लिए ओनली ट्रू और फॉल्स पॉसिबल होता है। देन सेकेंडली उनके शॉर्ट, शॉर्ट को कभी भी बाइट में असाइन करना पॉसिबल नहीं, अगेन सेम रीजन, फर्स्ट केस में आपके पास क्या बाइट, सेकेंड केस शॉर्ट, बाइट के केस में यहाँ आपको साइज चेक नहीं करना, डजंट मैटर याद रखना, चेक क्या करना ओनली रेंज, तो रेंज बाइट के केस में रेंज क्या है -128 टू +127, शॉर्ट के केस में रेंज क्या है -32768 टू +32767। तो कुछ नहीं कि अगर आपके पास कोई बाइट टाइप का वैल्यू, तो मीन्स बाइट टाइप के वैल्यू में वैल्यू किस रेंज के एक्सपेक्ट होंगे ओनली दीज वैल्यूज, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू इस रेंज के अंदर फॉलो हो रहे हैं, इसलिए असाइनमेंट मीन्स बाइट टू शॉर्ट कन्वर्जन कैसा हुआ पॉसिबल, जस्ट रिवर्स चेक कर दें, रिवर्स के केस में नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो वैल्यू शॉर्ट में स्टोर करना पॉसिबल क्या वो सारे वैल्यू बाइट के लिए एप्लीकेबल है क्या, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट एक्स इक्वल्स टू 1000, शॉर्ट के केस में 1000 वैलिड है, इट इज वैलिड रेंज फॉर शॉर्ट, लेकिन अगर सेम वैल्यू आप बाइट में साइन करने के लिए ट्राई करते हो बाइट वाई इक्वल्स टू एक्स, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स में क्या स्टोर है 1000 और 1000 को स्टोर करने के लिए वाई एप्लीकेबल नहीं है, रीजन क्लियर है। देन अब रिमेनिंग केस में बार बार एक्सप्लेन करूँ, सारे केस में आपको डिस्क्राइब करूँ, शॉर्ट टू शॉर्ट, शॉर्ट को भी अगेन कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि शॉर्ट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं, जबकि कैरेक्टर नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिए शॉर्ट टू कैरेक्टर कन्वर्जन पॉसिबल होगा नॉट पॉसिबल, लेकिन शॉर्ट टू शॉर्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, लॉन्ग फ्लोट एंड डबल, बुलियन को किसी अदर टाइप में अदर टाइप को बुलियन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बुलियन का पर्पज ही डिफरेंट है ओनली फॉर स्टोरिंग ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन इंटीजर, शॉर्ट के बाद में जस्ट कैरेक्टर की बात करूंगा, शॉर्ट और कैर, कैरेक्टर की बात करें जो वैल्यू कैरेक्टर है में, कैरेक्टर को कैरेक्टर में तो कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा, लेकिन कैरेक्टर के साथ साथ इंटीजर में असाइन करना पॉसिबल है कि नहीं, चेक करते हैं अगेन, कैरेक्टर का साइज क्या है 2 bytes, डजंट मैटर, आपको यहाँ रेंज चेक करना है, रेंज क्या है 0 to 65535। देन इंटीजर, इंटीजर के केस में साइज 4 byte है, लेकिन आपको चेक क्या करना है रेंज -21474836648 टू 2 रेंज ऑफ इंटीजर, चेक कर लो इस रेंज के जितने भी वैल्यू हैं ये कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर है, विद इन अ रेंज ऑफ दैट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या मीन्स कैरेक्टर्स में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो सारे वैल्यू इंटीजर में असाइन करना पॉसिबल, लेकिन जो वैल्यू इंटीजर में असाइन हो रहा है वो सारे वैल्यू कैरेक्टर्स में पॉसिबल होंगे नॉट पॉसिबल, इसलिए कैरेक्टर टू इंटीजर असाइनमेंट पॉसिबल हुआ, लेकिन इंटीजर टू कैरेक्टर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। जब इसको कैरेक्टर में इंटीजर में असाइन करना पॉसिबल, तो आपको बताना चाहिए इंटीजर लॉन्ग में भी आसान हो सकते हैं, फ्लोट में भी आसान हो सकते हैं, डबल में, इसलिए कैरेक्टर मीन्स इसके बाद रेस्ट ऑफ केस में सभी केस में वैलिड होगा, लॉन्ग फ्लोट एंड डबल। दिस इज द इम्प्लीसिट कन्वर्जन, मीन्स इस केस में आपको कोई भी टाइप कास्टिंग की नीड नहीं है, जस्ट मैंने अभी बात की इंटीजर को कैरेक्टर में असाइन करना पॉसिबल नहीं, डायरेक्टली असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन टाइप कास्टिंग के थ्रू असाइनमेंट पॉसिबल है, क्लियर। टाइप कास्टिंग मीन्स फोर्सफुली असाइनमेंट और फोर्सफुली कन्वर्जन। नेक्स्ट वन इंट, इंट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि लॉन्ग का साइज क्या था 8 byte, इसलिए इसकी रेंज भी ज़्यादा थी कंपेयर टू इंट। फ्लोट डबल, नेक्स्ट वन लॉन्ग, लॉन्ग का साइज क्या बताया था मैंने 8 byte, लॉन्ग को लॉन्ग में असाइन कर सकते हो, फ्लोट में असाइन करना पॉसिबल है, अगेन ये आपके लिए हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लॉन्ग के केस में जस्ट इसका रेंज चेक करेंगे नॉट अ साइज, साइज को लेकर अगर आप कन्वर्जन चेक करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज होगे, लॉन्ग का साइज क्या था 8 byte,
फ्रूट का साइज क्या है, 4 byte, देखा जाए साइज के बेसिस पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं हुआ लॉन्ग टू फ्लूट, लेकिन ये असाइनमेंट किसके बेस पर हुआ, रेंज के, सो रेंज क्या इसका -2 to the power बिट्स कितने होंगे इसमें, 64 - 1 = 63, 2 to the power 63 - 1, दिस इज द रेंज ऑफ लॉन्ग। लेकिन फ्लूट सेम केस में मैंने फ्लूट के केस में रेंज क्या मेंशन किया था, -3.4 × 10⁻³⁸ इस रेंज ऑफ फ्लूड, आपको क्लियरली दिख रहा है या नंबर्स में 10⁸ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्लियर है, यहाँ पावर किसके फॉर्म में, 10 के फॉर्म में और यहाँ 2 के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा, मीन्स ये रेंज बड़ी है, इसलिए लॉन्ग के सारे वैल्यू फ्लूड के रेंज में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्लूड के सारे वैल्यू लॉन्ग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, क्लियर, दिस देयरफॉर इट इज लॉन्ग कैन बी असाइन टू द फ्लूड एज वेल एज डबल। अगेन अगर अब आप सोचो इस केस में लॉन्ग का साइज 8 byte है, फ्लूट का साइज 4 byte है, फिर भी इसमें लेंथी डेटा स्टोर करना पॉसिबल क्यों, जस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमेशा पावर्स के फॉर्म में स्टोर दें और टू फॉर्म में, डेसी मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट पावर मीन्स अगर आपके पास फ्लूट के केस में टोटल 32 bits हैं, टोटल साइज क्या हुआ इसका 4 byte, 4 byte के अंदर टोटल बिट्स कितने हुए 32, तो इस केस में 9 bits किसके लिए स्टोर होंगे, ओनली 4 एक्सपोनेंट मीन्स पावर, और एक्सपोनेंट इस केस में काफ़ी लेंदी वैल्यू जाएगा 9 केस में, और 23 bits में स्टोर क्या हुआ मेंटीसा। नेक्स्ट वन फ्लोट, फ्लोट के केस में फ्लोट को या तो फ्लोट में असाइन कर सकते हो और डबल, इसके अलावा अदर असाइनमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे, सेम एज डबल के लिए ओनली 1 असाइनमेंट पॉसिबल है, ओनली एस डबल। नेक्स्ट वन मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मीन्स बाइट टू शॉर्ट असाइनमेंट कैसा है, वैलिड, बाइट एंड शॉर्ट दोनों को ही इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है कि नहीं, बाइट भी इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है और शॉर्ट भी इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, सेम एज इंट, इंट की बात करें इंट ओनली इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, लॉन्ग फ्लोट और डबल, प्लस लॉन्ग की किस बात करें तो लॉन्ग के अंदर बाइट शॉर्ट इंट तीनों ही टाइप्स कन्वर्ट करना पॉसिबल है, लॉन्ग इसे लेफ्ट टू राइट असाइन बाई डिफॉल्ट कन्वर्जन कैसा है, वैलिड, लॉन्ग टू फ्लोट वैलिड, फ्लोट टू डबल ऑल्सो वैलिड, लेकिन जस्ट रिवर्स केस कहीं भी पॉसिबल नहीं, रिवर्स केस मीन्स शॉर्ट को बाइट में साइन करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, इंटीजर को शॉर्ट में साइन करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, इंटीजर को बाइट में साइन करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, मीन्स डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हुआ लेकिन टाइप कास्टिंग के थ्रू साइन करना पॉसिबल है, टाइप कास्टिंग केस में सेपरेटली जस्ट डिस्क्राइब करूंगा, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का वैल्यू इनमें से किसी भी केस में साइन करना पॉसिबल, सारे के सारे केस कैसे इनवैलिड, जस्ट लेफ्ट टू राइट डिफॉल्ट कन्वर्जन पॉसिबल है, वन मोर केस, लेकिन मैंने यहाँ कहीं कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया, कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में सेपरेट एक्सप्रेशन राइट कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल था, कैरेक्टर्स कैन बी कन्वर्टेड एज इंटीजर, और आपको पता है इंटीजर लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका मतलब कैरेक्टर इंटीजर के साथ साथ लॉन्ग में भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल और डबल, ये असाइनमेंट्स भी सारे के सारे कैसे हैं वैलिड असाइनमेंट्स, क्लियर, जस्ट नेक्स्ट सेशन में सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा अबाउट एक्सप्रेशंस, इसके जस्ट बाद जब मैं बाइट डेटा टाइप स्टार्ट करूंगा देन उसके समय प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई मीन बाय टाइप कास्टिंग और फोर्सफुली असाइनमेंट्स।